तो ये है हर चौका का खूबसूरत गांव। पूरे सड़कों में गाय बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। कहाँ ले जा रहे हैं ये? कहाँ ले जा रहे हैं? खेत। अच्छा, क्या करते हैं? खेत में किसानी करते हैं। और क्या क्या चीज़ के लिए लेके जाते हैं? धान वन धोते हैं और लकड़ी रवई सब धोते हैं। अच्छा, इसी में। अच्छा। ट्रैक्टर वक्टर नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, यही आपका ट्रैक्टर है? ये हमारा ट्रैक्टर है। अच्छा। किसानी हल चलाते हैं। इसमें बैठ भी जाते हैं क्या? बैठ भी जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे चिड़िया हैं, लगभग संख्या इनका सैकड़ों में। ये मिट्टी में लौट रही हैं, मतलब कितना खेल रहे हैं देखिए। चिड़ियों को देखिए, तो भैया अभी भैंस से दूध धो रहे हैं। अरे वाह, अच्छा। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ दीपक और आज मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के उत्तर में सबसे लास्ट गांव घोड़धरा। ये हर चौका का आश्रित गांव है और यहाँ पर लगभग 50 से 100 घर हैं पूरे ये इस गांव में। और मैं अभी गांव घूमने के लिए आया हुआ था। यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे कि मैं जैसे आया इस गांव में तो किसी से पूछा नहीं और डायरेक्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भैया लोग देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं करके। पर देखिए, जैसे कोई आते हैं, कोई गांव में कोई आता है और उसके बाद मतलब एक रिएक्शन रहता ना कि कर क्या रहे हैं। दोस्तों, अभी हम हैं MP और CG के बॉर्डर में, हर चौका में। और यहाँ पर भी हमारे कई सारे व्यूअर हैं। यहाँ नेटवर्क अभी आया है भैया। तो मेरे वीडियो जो है वो आप कब देखे हैं? करीब 5-6 माह पहले देखा। अच्छा, 5-6 माह पहले देखे हैं। तो यहाँ पर हमारे एक व्यूवर मिले हैं, तो मैं सोचा नहीं था कि इतना मतलब लास्ट गांव में हमारे व्यूवर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बॉर्डर कहाँ पर है? बॉर्डर यहाँ पड़ जाता है, मान लीजिए 400 मीटर के अंतराल में। अच्छा, 400 मीटर बाद बॉर्डर है, MP है। हाँ। और ये CG है। ये कौन सा गांव है? घोड़धरा। हाँ। अभी क्या साइकिल बना रहे हैं अभी आप? बस, हाँ, साइकिल, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो सोचे कि बना देते हैं। अच्छा, तो आप साइकिल ऐसे बनाते हैं कि ऐसे ही बच्चों के लिए बनाते हैं? जैसे मान लीजिए बिगड़ जाता है तो बना देते हैं। अच्छा, दुकान इसका नहीं किया गया है। अच्छा, दुकान नहीं है, खुद ही बना लेते हैं। बना लेते हैं, हाँ। अच्छा, क्या बात है भैया। जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो सारे लोग देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सारे बच्चे लोग पहली बार देख रहे हैं इस तरह से वीडियो बनाते हुए। तो सब लोग आ गए हैं,
यहाँ पर खेत को अभी जोता जा रहा था, तो बट ये प्लेन नहीं है, तो इसको प्लेन करने के लिए देखिए ये भैया कैसे इसमें बैठकर इस जगह को प्लेन कर रहे हैं, जिससे इसमें कुछ अच्छे से कुछ लगाया जा सके। क्या कर रहे हैं भैया इसे? ये भैया जो है इसको पाटा चलाना बोलते हैं। पाटा चलाना? हाँ। अच्छा, तो किस लिए करते हैं इसको? इसको जैसे जुताई करने के बाद जो है तो उसका वो निकाला रहता है मिट्टी, है ना? हाँ। बड़ा तो प्लेन हो जाता है। अच्छा। हाँ, और बराबर हो जाता है इससे, मतलब बीज को निकालने में बढ़िया वो रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ऐसे ऐसे ही कर देते हैं तो निकलता है? निकलता है, पर वही दिक्कत पड़ता है मान लीजिए। अच्छा अच्छा। तो देखिए भैया कैसे बैठ के बढ़िया इसको फिर क्लीन कर रहे हैं, और बड़ा ही मज़ा आता है। भैया बोल रहे थे कि आप भी आओ और बैठो ऐसा करके। मजा आता है ना? हाँ, प्लेन भी होता है। अच्छा, प्लेन भी होता है, मजा भी आता है। मजा भी आता है, भाई बैठे रहते हैं तो मजा ही आता है। जी जी जी। खड़े भी होते हैं क्या लोग? जी, खड़े होने से गिर जाते हैं क्या? नहीं, गिरते नहीं हैं, अभी नया नया है ना, तो इसको पूंछ पकड़ते हैं तो गिरा देता है। अच्छा। हां, नहीं खड़े भी लगाते हैं। अच्छा, वायरल कर दूं भैया आपको। दोस्तों अभी हम हर चौका में और अभी नहाने के लिए आए थे, अचानक से बारिश चालू हो गया है और बहुत तेज बारिश चालू हो गया है, पर मुझे नहाना है। देखिए, अरे बाप रे, मेरा पैर देखिए कितना धंस गया है। आहा, पानी की स्तर धीरे धीरे बढ़ भी जाएगा तो मुझे जल्दी नहाना चाहिए। अरे, और भी तेज पानी आ गया, बहुत तेज पानी आ गया। आहा, आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं उस साइड। आने के लिए आया हूँ, जल्दी नहाता हूँ और निकलता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जस्ट नहाने आए हो, पानी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन नदी में खड़ा होकर नहा। मतलब आज नहाना कैसे है बारिश में? पानी यहाँ लेवल कम है ना, तो हम लोग सोचे थे कि लेक के नहाएंगे, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि सावर चालू कर दे रहा हूँ। पर क्या है ना, बारिश हो रहा है तो हमको निकलना चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकता है, और दूसरा पानी के स्तर बढ़ते जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम अब निकलते हैं यार, पर हम नहा के निकलेंगे। अचानक बाढ़ आ जाएगा, डुबा के ले जाएगा हम लोग। वाह, मज़ा आ रहा है भाई नहाने में, अति सुंदर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रहा है, नदी बह रहा है, लेटे हैं। ऐसा वीडियो तुम्हारे घर वाले देख डाले ना, बर्बाद कर देंगे। फिर गाना गाएगा ये, बर्बाद कर दे है मोला। दोस्तों जैसे ही नहाने आए हैं, बारिश स्टार्ट हो गया है, तो अभी ही बारिश स्टार्ट हुआ है, और अगर पानी गिरता है, ये नदी है या कोई झरना है, तो उसके पास कभी ना नहाएं, क्योंकि अचानक से ऊपर से पानी आ सकता है, तो अवॉइड करें। तो हम तो जस्ट 5 मिनट नहाए हैं, उसके बाद बाहर आ गए हैं, अच्छे से नहीं नहा पाए हैं, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए हम ऊपर आ गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।